जो दल विपक्ष में था वो सत्ता में आ गया और जो दल सत्ता में था वो विपक्ष में चला गया। अब जो सत्ता से बाहर है वो ईवीएम का विरोध कर रहा है और जो सत्ता में बैठा हुआ है वो ईवीएम का समर्थन कर रहा है। आज इनको पता है कि किस गांव के लोगों ने, किस जात के लोगों ने, किस धर्म के लोगों ने, किस क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया है। ये ईवीएम है असली, और इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव आगे पड़ेगा इसकी आप अभी से कल्पना करके देख देते हैं। इस बार 300 पार जिन जो है चुनाव के बाद 300 पार का आंकड़ा उनको प्रस्तुत कर देता है, लीजिए 300 पार आ गया। अगली बार वो कह देंगे 500 पार, जिन आएगा 500 पार का आंकड़ा। तो इसमें असली जो समस्या है वो मशीन है और उसको वो किसी भी तरह से कैसे भी करके अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये विषय बहुत मौजू है, सर ने अभी जिक्र किया था हमसे पहले कि बैलेट पेपर और ईवीएम की लड़ाई एक पैरलर चल रही है, वो भी हमें लड़नी है। बाकी लड़ाइयां तो हम लोग लड़ ही रहे थे, उसमें एक लड़ाई और शामिल हो गई है और ये लड़ाई भी हमें लड़नी है। लोकतंत्र की जो आत्मा है आप सब जानते हैं चुनाव में बसती है, और चुनाव मतदान से निर्धारित होता है, और मतदान जो करने वाले लोग हैं वो किसको वोट देते हैं और किसके पास जाता है, सवाल अब इस पर खड़ा होने लगा है। ये समस्या विश्वास का है, ये सवाल जो है विश्वास का है, प्रतिनिधित्व का है और भागीदारी का है, साथ में साजिश का है कि दुनिया के लगभग 31 देशों ने ईवीएम अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया। कुछ ही देश हैं जिन्होंने ट्रायल के स्तर पर 2-4 अपने हलकों में या चुनाव बूथ पर या क्षेत्रों में लागू किया, और बड़े बड़े देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, इटली, ऐसे देशों ने अपने यहाँ प्रतिबंधित किया। ना ये छोटे देश हैं ना गरीब देश हैं, इनके पास संसाधन की कमी नहीं है। बावजूद इसके इन लोगों ने विश्वसनीयता के अभाव में इस तरह की सुविधा को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसको बंद किया। उसका कारण ये नहीं था कि वो इस पर चुनाव नहीं करवा सकते थे या सक्षम नहीं थे, उसका कारण ये है कि वो ये मानने लगे थे कि इसमें जनता की जो विश्वसनीयता है, इसमें जनता का जो प्रतिनिधित्व है, या कह सकते हैं कि जो लोग जिनको वोट देते हैं उनको ये शंका होने लगी थी कि पता नहीं हम कितना सही कर पा रहे हैं। 31 देश ऐसे हैं जो ईवीएम पर स्टडी किए, अलग अलग उन्होंने शोध करवाया और निष्कर्ष निकाला, जिसमें 4 देश जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें भारत है, ब्राज़ील है, भूटान है और वेनेजुएला है। 4 ही देश हैं जहां ईवीएम प्रयोग में लाई जाती है, उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जहां 100% ईवीएम पर चुनाव होता है, बाकी जगहों पर आप देख लीजिए पार्शियल होता है, बहुत कम क्षेत्रों में। ये छोटे छोटे जो उनके इलेक्शन होते हैं स्थानीय स्तर पे, उनमें वो ये ईवीएम का प्रयोग करते हैं, नेशनल इलेक्शन में वो कभी ईवीएम का प्रयोग लगभग नहीं करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप ठीक से इसको समझना शुरू करें तो जहां जहां संघर्ष शुरू हुआ या जहां जहां वहां के न्यायालय ने या वहां के लोगों ने जब उसमें हस्तक्षेप किया तो वहां तो ईवीएम प्रतिबंधित हो गई, लेकिन यहां क्या है, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण ये है कि पहले एक दल विपक्ष में था तब वो ईवीएम का विरोध कर रहा था, और जो दल सत्ता में था वो ईवीएम का समर्थन कर रहा था। थोड़े दिन बाद जो दल विपक्ष में था वो सत्ता में आ गया और जो दल सत्ता में था वो विपक्ष में चला गया। अब जो सत्ता से बाहर है वो ईवीएम का विरोध कर रहा है और जो सत्ता में बैठा हुआ है वो ईवीएम का समर्थन कर रहा है। कुछ ऐसा खेल नहीं लग रहा? आप सोच के देखिए, तुम रहना तो तुम अपने तरीके से खेलना, फिर हम आ जाएंगे तो हम भी वो इसी तरीके से खेल लेंगे और हम ही तुम ही रहेंगे, बाकी किसी को नहीं आने देना है। बहुत कॉमन सी बात है। इस पर जो है अगर आगे आप इसमें देखेंगे
1984 के पहले भारत के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों से बहुजन समाज के लीडर चुन के आते थे और उन लोगों ने उन प्रतिमानों को, उन परंपराओं को बदलने का और बेहतर समाज बनाने की भरपूर कोशिश की और उसका बदलाव, उसका परिणाम हमें दिखता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश के बाकी राज्यों में। ये आप डेटा देख लीजिए कि 1999 के बाद जब ईवीएम को एक तरह से पूरी तरह लागू किया जाने लगा तो ये जो 1984 के पहले के आंकड़े थे वो अचानक से कम नहीं हुए, लगभग खत्म होने लगे, लगभग खत्म होने लगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन साफ है, जो चीजें आसानी से बैलेट नंबर पर होती थी और उसमें पारदर्शिता रहती थी उसको इन लोगों ने खत्म कर लिया। बाद में ये होता है कि वोट कहीं और डाला जाता है, जाता किसी और को है। 2004 के बाद एक पार्टी के प्रवक्ता ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उन्होंने सवाल उठाया था, नाम है उनका जीवीएल नरसिम्हा राव, आप सब जानते होंगे, टीवी पर आते रहते हैं, और उन्होंने सवाल उठाया था 2004 में। लेकिन 2014 के बाद ये किताब और वो सवाल दोनों एक साथ गायब हैं, तो कहीं दिखाई नहीं देते, वो तो गायब रहेंगे ही, वो तो उनके अस्तित्व में होने का तो मतलब नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियों ने भी चिट्ठी लिखी थी, जो सत्ता में थे उनको छोड़ करके बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी और उन लोगों ने कहा था कि ये ईवीएम जो है वो खतरनाक है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था उन लोगों के पत्रों में। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो उन लोगों ने इस पे विचार करना, बात करना, सोचना, सब कुछ करना छोड़ दिया। एक वाकया मिला है कि दक्षिण भारत में बंगलौर के किसी इंजीनियर ने बकायदे लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप जानते हैं, खाते से पैसा उड़ा दिया जा रहा है, लोगों का अकाउंट का नंबर बदल दिया जा रहा है, ईमेल आईडी बदल दी जा रही है, इन सारी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? दिल्ली विधानसभा में बकायदे जो रूलिंग पार्टी है इस समय उन लोगों के, उनके सौरभ भारद्वाज एक नेता हैं, उन्होंने दिखाया था करके बकायदे विधानसभा में कि ये किस तरह हो सकता है या क्या क्या इसमें खामियां हैं। बावजूद इसके अगला चुनाव, नेशनल चुनाव इस पे लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8/10/2013 को एक जजमेंट दिया था कि विथ एन इंटेंट टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स, इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम विथ वीवीपैट सिस्टम बिकॉज वोट इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच हैज इमेंस इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब व्यवस्था कायम रहे इसमें लोगों का विश्वास होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ दीजिए और पर्ची निकले, जो जहां वोट डाले उसको पता चले कि हमने किसको वोट दिया है। इसके पहले जहां प्रतिबंधित किया गया वहां की सुप्रीम कोर्ट की, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्टेटमेंट दिया था कि वोटिंग थ्रू ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पीपल, क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता सामान्य नागरिक का एक अधिकार है और ये चूंकि उसको पूरा नहीं करती इसलिए इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और वहां प्रतिबंधित हो गया। अब आगे चल के देखिए, डेमोक्रेसी एक बिल्कुल रिस्क पे चल रही है। अगर ईवीएम का यही हाल है तो डेमोक्रेसी स्वाभाविक है रिस्क पे, क्योंकि जो लोग वोट कर रहे हैं, जैसे वीवीपैट का सिस्टम लाया गया, ठीक है, वीवीपैट का सिस्टम लाया गया, आप ये देखिए कि कितने प्रतिशत पर्ची काउंट होती है, कितने बूथ की काउंट होती है, और आप जानते हैं वो पर्ची नहीं काउंट होती, डिजिटल सॉफ्टवेयर है वो, जो दिखाया जाता है मशीन में कि
कि आपने बटन दबाया, यहाँ पे दिख गया कि हाँ आपने किसको वोट दिया, चुनाव चिन्ह आ गया, तो वो डिजिटल है, वो पर्ची निकल के नहीं आती। अगर वो रोल होता तो उसमें कोई बदलाव करना मुश्किल है, लेकिन पर्ची तो हो सकता है कि दिखे कुछ और नीचे से कुछ और निकल जाए, संभव है ये। ये तो वैसा है कि जो ये ईवीएम मशीन है वो रूलिंग पार्टी के लिए एक जिन की तरह है। वो कह देते हैं इस बार 300 पार, जिन जो है चुनाव के बाद 300 पार का आंकड़ा उनको प्रस्तुत कर देता है, लीजिए 300 पार आ गए हम। अगली बार वो कह देंगे 500 पार, जिन आएगा 500 पार का आंकड़ा दे देगा। वो उस मशीनरी का, उस सिस्टम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझने वाली बात है। यहाँ जो हमारा उद्देश्य है वो ये समझाना है कि जो डिजिटल डिस्प्ले है, अगर ये सही में गलत है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये स्कैम ऑफ मिलेनियम है। मतलब जितने घोटाले हुए हैं उन सारे घोटालों का भी बड़ा घोटाला है, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो नुकसान हो रहा है, जो हमारी लीडरशिप है, जो फ्रंट में भी लोग बैठ के हमारे जो नेतृत्व करते रहे, जो लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं सालों से, ये लोग इसके दुष्प्रभाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आगे आएंगे तो ये लोग बताएंगे भी कि इसकी कितनी दुश्वारियाँ अभी हो रही हैं। अब बैलेट पेपर का फायदा बताते हैं, बैलेट पेपर क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये बहुसंख्यक समाज के हित में है। 80-90% जो सेंटर में पहले सरकारें बनती थी उसमें भागीदारी हमें किसी न किसी रूप में मिलती थी और हमारे लीडर इस तरह के कार्यों को किसी न किसी तरह दबाव बना के बदलवा लेते थे, जिसमें ये मनमानी नहीं चलती थी। एजेंडा को एक व्यक्ति अपने तरीके से लागू करवा ले, इसकी संभावना कम थी। 90 का दशक बड़ा उदाहरण है, आप जानते हैं अगर लीडरशिप नहीं होती तो रिजर्वेशन कभी लागू नहीं होता। ये सबको मानने में और हम जैसे लोगों को स्वीकार करने में कोई मतलब 1% संकोच की बात नहीं है। अब क्या है कि अभी जो सरकारें हैं ये कभी मीडिया के माध्यम से, कभी एजेंडा सेट करके, कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई लड़वा करके, कहीं कभी सांप्रदायिकता की जंग में लोगों को झोंक करके, कभी युवाओं को बरगला करके वो अपना उल्लू सीधा करने में सफल हो जा रही हैं। और ये जो चीज है ये एक तरह की चीटिंग है। अगर ये डिवाइस रियली ऐसी है तो उसको कोई भी बदल सकता है, बना सकता है, परिवर्तित कर सकता है। और हमें लगता है कि अगर सरकारें ये चाहती हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये चाहती हैं कि जैसे सर बता रहे थे कि ये भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, बात सर की बहुत सही है, भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एजेंडा सेट करने में ये सब चीज़ें मदद करती हैं। हाँ, ये भी बात है कि हमारे जो राज हैं वो इन्हीं माध्यमों से बाहर जाते हैं और उसका लोग दुरुपयोग, मतलब हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी मान लेने वाली बात है। अब यहाँ क्या है कि चुनाव में पहले रैली में भीड़ दिखाई जाती है, मीडिया को सेट किया जाता है, 4 को 40 में कन्वर्ट किया जाता है, खाली कुर्सियों को भी भर दिया जाता है और इस तरह से कर करके बैलेट पेपर को ये बताया जाता है कि बैलेट पेपर की जरूरत नहीं, चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी, समर्थन इतना ज्यादा रोड पर दिखाई दे रहा था कि वो ईवीएम में कन्वर्ट हो गया। तो जो गढ़ने की प्रक्रिया है, जो एक कह सकते हैं नरेशन तैयार करना, वो चुनाव से पहले तैयार करने में सफल हो जा रहे और उसमें संसाधन, मीडिया और बाकी सारी चीजें उनकी भरपूर मदद करती हैं। बैलेट पेपर में का चुनाव ना होने से एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं साझा जरूर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सांसद चुने गए, हम गए उनके पास कि अपने गांव में एक पुस्तकालय खुलवाना है। उन्होंने कहा तुम्हारे गांव के लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया तो हम तुम्हारे यहाँ पुस्तकालय क्यों खुलवाएंगे। उनको कैसे पता कि हमारे गाँव के लोगों ने वोट नहीं दिया है? इसलिए कि जब बैलेट मिक्स करके काउंटिंग होती थी तो 20-25 बूथ को मिला दिया जाता था। ये समझना मुश्किल था कि किस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया है। आज इनको पता है कि किस गांव के लोगों ने, किस जात के लोगों ने, किस धर्म के लोगों ने, किस क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया है। ये ईवीएम है, ये ईवीएम है असली। और इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव आगे पड़ेगा, इसकी आप अभी से कल्पना करके देख लीजिए। ये मैं अनुभव इसलिए सुनाया कि ये
हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस तरह के वाक्यों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इनको कैसे पता चलता है। स्वाभाविक है, एक ईवीएम सेम टाइम में बता देती है कि इस गांव में इतने वोट पड़े और इतने इस पार्टी को गए, इतने इस व्यक्ति को गए, इतने इस धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इतने इस धर्म के रहते हैं। कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एक सेंटर है उसकी आबादी ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार से ऊपर नहीं होती। तो इस मामले में जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अभी चल रही है, ये जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके लिए हमें किसी भी तरह से उतर करके रोड पर या जहां भी संभव हो विरोध करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अगर इन लोगों को ये लग रहा है कि ये बैलेट पेपर पर भी चुनाव जीत सकते हैं, तो दो मॉडल स्टेट हैं इनके पास अभी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दोनों में बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देख लें। ये कहते हैं कि हिंदी बेल्ट में लूट खसोट होती है, बैलेट बॉक्स उड़ा लिए जाते हैं, इसलिए चुनाव करवाना नहीं संभव है। कोई बात नहीं, गुजरात में लूट खसोट नहीं होती, वहाँ बैलेट बॉक्स मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी घटना हम लोग नहीं पढ़े अखबार में, वहाँ करवा लें, हिमाचल में करवा लें, हिमाचल में भी संभव है। ये करवा के मॉडल बताएं कि जो हम कर रहे हैं नहीं, अगर संभव है 100% 50% बैलेट पेपर पर, 50% ईवीएम पर करवा के ये दिखाएं कि ये सही है। उसी में सबको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है, असली खेल कहाँ है। तो साथियों, इसमें असली जो समस्या है वो मशीन है और उसको वो किसी भी तरह से कैसे भी करके अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा हमारे मंत्री सर बता रहे थे कि वो अपनी रणनीति डिस्कस नहीं करते, बात सही है, और उसको लागू कर रहे हैं और उस लागू करने में मशीन से लेके मीडिया तक बहुत सारे जो संसाधन हैं उनका साथ दे रहे हैं। अब हमें लगता है कि अगर हम पावर को कहीं किसी रूप में समझते रहे हैं या जान सकते हैं या जानना है, तो हमें बहुसंख्यक समाज, सोशल मीडिया, सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर और इंटेलेक्चुअल्स, इन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक साथ मंच पर लाकर इस पर विचार करने का यही समय है और ये सबसे ज़रूरी है कि हम इस पर सोचें और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या किस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं, इस पर हमें ज़रूर कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। आप सब ने हमें समय दिया, ध्यान से सुना, आप सबका बहुत आभार।